जोहार, मैं लतिका सरदार। आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाला साग, क्या आप इसको पहचानते हैं? इसका नाम है हिड़मिचा साग, मुचरी साग, हेंचा साग। ये है हिड़मिचा साग। ये साग पानी वाले जगहों पर मिलता है, जैसे नदी किनारे, तालाब किनारे या फिर पानी में तैरता हुआ मिलता है। इसको बाजार से ला के मैं पानी में डाल के रखी हूँ। ये मग में पानी है। ये साग का टेस्ट बहुत ही कड़वी होती है। इसकी कड़वी टेस्ट के कारण लोग इसे कम ही खाते हैं, बहुत लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। पर इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, तो हमें बीच बीच में खाना चाहिए। ये साग को खाने से भूख जगती है। तो चलिए पहले इसे चुन लेते हैं। साग को चुन लिए हैं और उसका जो डंठल है उसको इस तरह से तोड़ दिए हैं। दो तीन जॉइंट छोड़ के, इसमें देखिए तीन जॉइंट है, एक दो तीन, इस पर है दो जॉइंट। इसको हम लगा के देखना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह से तोड़े हैं। ये जो नीचे का जॉइंट है ये मिट्टी के अंदर लगा देंगे और ऊपर का जॉइंट मिट्टी के ऊपर रहेगा, ताकि इसमें से नए शूट्स निकले। इसको लगा के देखते हैं, ये जिएगा कि नहीं जिएगा पता नहीं। इस पर हर रोज पानी डालना पड़ेगा। ये नीचे का जो जॉइंट है इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। साग को धो के काट लिए हैं। अब इसको बॉयल कर लेंगे।
साग में डालने के लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची। साग पक चुका है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको फेंक देंगे ताकि इसका कड़वापन कम हो जाए। तेल गरम हो चुका है, मिर्ची डालेंगे, प्याज, साग, टमाटर, नमक, अब इसको अच्छा से चलाते हुए पका लेंगे। साग पक चुका है, अब इस पर डालेंगे लहसुन, कुछ देर चला के फिर उतार देंगे। इसका टेस्ट हल्का सा कड़वा है पर अच्छा है, अच्छा लग रहा है।